साथियों, एक खास जानकारी देना चाहता हूं, खासकर से उन लोगों को जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं या ले चुके हैं, या जो सोच रहे हैं मैं घर ले लेता हूं लोन पर, मैं कोई ऑफिस ले लेता हूं लोन पर, कोई भी मॉर्गेज करके प्रॉपर्टी रख करके लोन ले रहे हैं, चाहे बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं या प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रहे हैं या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं। सबसे पहले आप इसका अर्थ समझ लीजिए। जब आप अपनी प्रॉपर्टी बैंक में रखवाते हैं तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आपने अपनी प्रॉपर्टी को जब्ती करवाया है बैंक में। जी हाँ, आपने जब्ती करवाई है। आपने मॉर्गेज का अर्थ समझा नहीं है, मॉर्गेज का अर्थ जब्ती करना है। आपके उस प्रॉपर्टी से संबंधित सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। आप किराएदार की तरह रह सकते हैं, लेकिन ना तो आप उस प्रॉपर्टी में कोई अदल बदल कर सकते हैं, कोई बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। इवन अगर आप रिनोवेशन भी कराना चाहें तो उसमें लिखा होता है, उसकी भी जानकारी आपको बैंक को देनी चाहिए, बैंक को देनी पड़ेगी। यदि आपका जड़ से अपना मकान है और आप सोचते हैं एक फ्लोर और बना लेते हैं, अंदर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, लीगली ये अलाउड नहीं है। इसलिए जब भी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लें, प्रॉपर्टी के लिए लोन लें या कोई प्रॉपर्टी रख करके बिजनेस लोन लें, मॉर्गेज लोन लें, आप ये बात समझ लें आप अपने हाथ खुद ही काट रहे हैं। उस प्रॉपर्टी से संबंधित सारे अधिकार आपके छीनने जा रहे हैं। अब लोग कहेंगे, सर क्या मैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लूं ही नहीं या प्रॉपर्टी के लिए लोन ना लिया जाए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, सोच समझ के लिया जाए। सबसे पहले तो मॉर्गेज का अर्थ आपको समझ में आ गया कि आपने खुद जब्ती करी है, यानी बैंक के पास है वो प्रॉपर्टी, यानी मालिकाना हक आपने बैंक को दे दिया। और बैंक भी और एनबीएफसी भी या जो भी लोन देते हैं वो इतने समझदार होते हैं, पहले सारे पेपर साइन करा लेते हैं, एनओसी तक की भी कई बैंक पहले ही साइन करा लेते हैं ताकि कल को ऑब्जेक्शन ना आए। अगर बैंक को ऑक्शन करना पड़े, सेल करना पड़े, तो बैंक तुरंत उसको ऑक्शन कर सकता है, सेल कर सकता है। बैंक के पास सारे अधिकार हैं, आपके पास कोई अधिकार नहीं रह जाता। अब क्या करना है? अगर फिर भी लोन लेना पड़ जाए तो कोशिश ये करिए जितना उसकी वैल्यू है मैक्सिमम अमाउंट का लोन लीजिए। लोग उल्टा करते हैं, लोगों की प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ रुपए है, लोन की जरूरत उनको 15 लाख 20 लाख की है, तो 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी रख के 15 लाख का लोन ले लेते हैं क्योंकि हम आसानी से चुका देंगे, किस्त हमारी रेंज में बनेगी, हम आराम से दे देंगे। लेकिन जब नहीं दे पाते हैं तो बैंक क्या करता है? बैंक सरचार्ज लगाता है, पेनल्टी लगाता है, इंटरेस्ट लगाता है, पेनल इंटरेस्ट लगाता है, और बढ़ाते बढ़ाते वो 15-20 लाख के अमाउंट को 1.5 करोड़ 2 करोड़ पर ले आता है और आपकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी को वो 50 लाख 60 लाख में ऑक्शन कर देता है। आपकी प्रॉपर्टी भी चली जाती है और आपको उससे बड़ा अमाउंट देना पड़ता है जितना आपने अमाउंट लिया भी नहीं होता। तो बेहतर क्या होगा, अगर जरूरत पड़ रही है, पहली बात तो कोशिश करें लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ना लिया जाए, मॉर्गेज ना रखा जाए। लेकिन अगर फिर भी लेना पड़ जाए, घर के लिए लोन लेना पड़ जाए, बिजनेस के लिए लोन लेना पड़ जाए, प्रॉपर्टी रखनी पड़ जाए, तो या तो प्रॉपर्टी का उतना ही पोर्शन रखें जितना लोन अमाउंट की वैल्यू है। मान लीजिए आपके 3 फ्लोर हैं और आपको मालूम है 1 फ्लोर की कीमत मेरी 75 लाख रुपए है और मुझे 20 लाख का लोन चाहिए, तो उसके एवज में 1 फ्लोर रखा जा सकता है, तो 2 फ्लोर को बचा लीजिए। लोगों को समस्या क्या आती है, पूरी प्रॉपर्टी रख दी, अब 1.5 करोड़ पौने 2 करोड़ सवा 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आपने उसको 20 लाख 25 लाख में रख दिया। बैंक ऐसी प्रॉपर्टी को ज्यादा कोशिश करता है कि आप डिफॉल्ट करें, और जैसे ही डिफॉल्ट करेंगे, जैसे आपका अकाउंट एनपीए होगा, तुरंत बैंक से जो लोग जुड़े होते हैं, एक बड़ा नेक्सस चल रहा है जो प्रॉपर्टी हड़पने का काम करता है, वो तुरंत उस प्रॉपर्टी पर डीलर लगाना शुरू कर देता है, सस्ते दामों पर बैंक से खरीद लेता है और 3 महीने 6 महीने बाद ही वो प्रॉपर्टी फिर से मार्केट रेट पर या महंगे दाम पर बिक जाती है। तो ये एक बड़ा नेक्सस चल रहा है, आपको अपनी प्रॉपर्टी को बचाना, सुरक्षित करना आपका अधिकार है। और आप अपने अधिकारों को जानिए कि जब आप प्रॉपर्टी साइन कर रहे हैं, पेपर साइन कर रहे हैं, तो कम से कम पेपर पढ़ लीजिए उसमें क्या लिखा है, मॉर्गेज का अर्थ क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी बैंक के अंदर जब्ती की गई है और जब लिखवाता है बैंक, आप देखिए घर के बाहर जब आप प्रॉपर्टी आपकी ऑक्शन होनी होती है या एनपीए हो जाता है या आप किस्त नहीं भर पा रहे होते, तो बैंक के कर्मचारी आकर के बाहर लिख देते हैं ये प्रॉपर्टी बैंक में जब्ती की हुई है। जब्ती का मतलब ही ये है मॉर्गेज किया हुआ है। ये मॉर्गेज टर्म को हिंदी में नहीं बताया जाता कि आपने बैंक को अपना मालिकाना हक दे दिया, बैंक उसमें कुछ भी कर सकता है, आपके पास कोई अधिकार नहीं है। अगर आप सोचें मैं घर को रिनोवेट कर लूं, मेरा अपना जड़ से जमीन से घर है, मैं इसको घर को तोड़ करके दूसरा बना लूं, ये अधिकार आपके पास नहीं है। जब तक उस प्रॉपर्टी पर लोन चल रहा है, आपने जैसी प्रॉपर्टी ली है उसको रंग रोगन पेंट तो करवा सकते हैं, लेकिन उसमें बड़ा रिनोवेशन बड़ा चेंज नहीं करा सकते हैं, बड़े बदलाव नहीं करा सकते हैं, प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर कोई और काम जो काम चल रहा है उसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे आपके अधिकार सीमित हो जाते हैं, लोगों को ये अधिकार नहीं पता होते, लोगों को लगता है हम रेंट पर दे देंगे। आप रेंट एग्रीमेंट करने का भी अधिकार खो देते हैं, आप जरा एक बार पता कर लीजिएगा, अगर आपने प्रॉपर्टी अपनी है और आपने उस पर लोन ले लिया है और बाद में रेंट एग्रीमेंट करवा रहे हैं तो लीगली रेंट एग्रीमेंट भी अलाउड नहीं होता है। तो आप अपने अधिकारों को समझिए ताकि आपकी प्रॉपर्टी ना जाए। और जो लोग इस तरह की प्रॉपर्टी के लोन लेने जा रहे हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं या मॉर्गेज लोन लेने जा रहे हैं या ले लिया है बिजनेस के लिए किसी और चीज के लिए और दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, लोन नहीं भर पा रहे हैं, तो हमारी टीम से संपर्क करिए, हमारी टीम आपकी निःशुल्क मदद करेगी।
कर्जों भारत अभियान पूरे देश में चल रहा है, अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी से एक रुपया भी नहीं लिया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति कर्जा मुक्ति के नाम पर, रजिस्ट्रेशन नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर, सर्टिफिकेट के नाम पर एक रुपया भी मांगता हो, तुरंत उसकी पुलिस में कंप्लेंट कराइए, वो हमारा व्यक्ति नहीं होगा। अपने अधिकारों को जानिए, सतर्क रहिए, घबराना नहीं है, डरना नहीं, परेशान नहीं होना। यदि आपने लोन लिया और अगर आप लोन नहीं भी चुका पा रहे हैं तो ये कोई अपराध नहीं है। आपने लोन लिया, अपने आप को डिफॉल्टर फील मत कराइए, अपने आप को दोषी मत मानिए, अपने परिवार के लोगों को समझाइए कि लोन लेना कोई अपराध नहीं है, और लोन नहीं चुका पा रहे ये भी कोई अपराध नहीं है।